इंग्रीडियंट डिफरेंट वेरियंट वाले तीन बॉडी वॉशिज आई हैव तो एक, एक करके तीनों की बात करेंगे एंड तीनों में से मेरा फेवरेट कौन है वो भी हम जरूर बात करेंगे तो आई uh, है I have their salicylic acid body wash and I have their hyaluronic acid body wash. तो सबसे पहले हम niacinamide की बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही सुंदर you know standard जो बी बॉडी ke के mein में इस तरह के and white color ka का ही uh, combination रहता है तो this is बी body wise फाइव परसेंट नियसिनमाइट बॉडी वॉश टू ब्राइटन एंड नरिश स्किन स्ट्रेंथन स्किन पैरियर टू फिफ्टी एम एल की क्वान्टिटी है एंड ये आपको थ्री हंड्रेड के आउंड मिल जाता है क्वाइट अफोर्डेबल हाँ ठीक है इन्ग्रीडियंट इसके अंदर इनकी बात है, 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 है है क्योंकि बहुत बहुत सारे में पाया जाता इसमें नहीं अच्छी कि कि इन्होंने ये लिखा है कि तीन महीने में आपको रिजल्ट पता चलेंगे अदरवाइज बहुत सारे ब्रांड्स कहते हैं कि आप लगाओ और रिजल्ट मिल जाएंगे जैसा कि कभी होता नहीं है, तो बेस्ट थिंग ओके okay. एंड शेल्फ लाइफ इसमें आपको टू ईयर्स की मिलेगी तो एक कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है थोड़ा सा जेली फॉर्म में है थोड़ा सा पिंक कलर में बट यू नीड वेरी लिटल प्रोडक्ट बहुत अच्छा लेदर क्रिएट होता है पूरी बॉडी के लिए आई थिंक सफिशियंट होता है इसके एक या दो पंप अभी बात करते हैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है देखो मुझे प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छा लगा यू कैन ऑलरेडी सी मैं इसे अभी यूज़ कर रही हूँ मैंने सात आठ बार यूज़ कर लिया इसे बहुत हल्का सा प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है आ, तो काफ़ी लंबे चलने वाले बॉडी वॉशेज़ ये हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्किन ना बहुत नरिश्ड एंड हाइड्रेटेड रहती है फुल डे क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है मैंने देखा कि बहुत सारे बॉडी वॉशेज ना स्किन एकदम ड्राई कर देते थे पर मैंने इसे सुबह यूज़ किया कैन यू सी मेरी स्किन कहीं से भी बिल्कुल भी ड्राई नहीं है अभी तक इवन मैं बहुत बॉडी लोशन लगाना स्किप कर जाती हूँ भूल जाती हूँ बट मुझे ज़रूरत ही फील नहीं होती बिकॉज काफ़ी नरिश करता है, है स्किन को तो काफ़ी अच्छा अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना और थोड़ी सी नरिशमेंट हाइड्रेशन चाहिए यू कैन ट्राई इट आउट सेकेंड वेरियंट की बात करती हूँ जिसमें है इनका सैलिसक एसिड बहुत सारे लोगों को ना बॉडी एक्ने होते हैं आपने देखा कि समटाइम्स बैक पे हल्के हल्के से दाने उभर आते हैं या आर्म्स पे उभर आते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज सलीस लेके ए वन परसेंट सलीस लेकर एसिडिट है तो वो क्या करता है आपके बॉडी पे जो भी अकने आ रहे हैं या दाने आ रहे हैं या जो भी है उनको काफ़ी हद तक ठीक करते हैं आपकी बॉडी को एकदम स्मूथ टेक्स्चर देंगे क्लियर करेंगे आपकी बॉडी को प्रिवेंट बॉडी अखने एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स एज ए ट्रोलियो इन दो चीज़ों पर काम करता है एक्सपोली डेथ स्किन सेल्स नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देखो हम फेस पे तो स्क्रबिंग एंड एक्सफोलिएशन सब कुछ कर लेते हैं बॉडी को हम हमेशा हमेशा बोलते हैं आई नो दैट हम सब बोलते हैं बॉडी पे हम कभी स्क्रबिंग नहीं करते जो कि इंपॉर्टेंट होती है वंस इन अ वाइट तो इसमें कुछ ऐसे इन्ग्रीडेंट है जो कि माइल्ड स्क्रबर या एक्सपोलिएशन का, का काम करते हैं आपकी जो भी डेथ स्किन होगी ना कहीं भी जैसे यू नो नेक के लिए के पास बहुत बार डेथ स्किन आ जाती है तो उसको काफ़ी अच्छे से यू नो जेंटली माइल्डली रिमूव करेगा एंड एक्ने के लिए काफी बॉडी एक्ने के लिए काफी अच्छा है सो अगेन सेम चीज इस पर लिखी है इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे हल्के हल्के बैक पे ऐसे दाने से उभर आए थे वो काफी लाइक थ्री फोर वॉश में ही वो निकल मतलब साफ हो गए हैं एंड मुझे काफी अच्छा लगा इट हैज अगेन वेरी प्लीजिंग फ्रेग्रेंस जो फ्रेग्रेंस इन सभी बॉडी वॉशिज में है ना बहुत प्लीजिंग है दैट इज स्टेज विद यू फॉर द फुल डे बहुत अच्छा है आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं प्राइस इज सेम थ्री हंड्रेड के अराउंड मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पर थर्ड uh, की बात करते हैं जो कि हेलोरॉनिक एसिड वाला वेरिएंट है इसमें अंदर हेलोरॉनिक एसिड है डीप क्लन स्किन रिलीव इचिंग एंड ड्राइनेस प्रोटेक्ट स्किन नेचुरल बैरियर इन तीन चीज़ों uh, को ये क्लेम करते हैं सबसे पहले बहुत ही जेंटल अच्छा क्लेंजर है यू नो डीपली क्लेंजर तो आप सोप से भी आप नहाते हो तो साफ हो जाती है स्किन से बट ऊपर से जो एक डीपली स्किन को क्लेंज करना होता है ना स्किन के बॉडी में जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे उनके अंदर से भी जो गंदगी को साफ करता है ना जो मैल फंसा होता है तो उस पर ये काम आता है और रिलीव इचिंग बहुत बार इचिंगनेस तो बॉडी पे होती है बहुत ज़्यादा सो ड्राई स्किन के लिए ये वाला हलुरॉनिक एसिड वाला वेरिएंट बॉडी वॉश भी काफ़ी अच्छा है uh, तो अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राई स्किन है काफ़ी इचिंग होती है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं एकदम सूद कर देगा आपकी स्किन को स्किन के नेचुरल बैरियर को ये रिपेयर करेगा प्रोटेक्ट करेगा इट इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो और अगेन पैराबिन फ्री है सल्फेट फ्री हंड्रेड परसेंट सोप फ्री है टू फिफ्टी एम की क्वांटिटी है प्राइस थ्री हंड्रेड के राउंड है वो मैंने सब कुछ बताया इफ़ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट तो एज आई ऑलरेडी टेल यू कि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई हो रही थी काफी सारे बॉडी वॉश ही सॉप्स के साथ काफी ड्राई हो रही है तो ड्राई नहीं है मेरी स्किन बिल्कुल भी इसको मैंने छः सात मैं तीनों को मैंने सात सात आठ आठ बार यूज़ कर लिया है तो दैन आई जस्ट मेरे बस कब से मैंने इसे इन्हें लास्ट मंथ परचेज़ किया तब से मैंने यूज़ कर रही थी जस्ट टू यू नो एक अपना ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए मुझे काफ़ी अच्छा तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे हैं ना अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंसर्न आप इन तीनों में से कोई भी परचेज़ कर सकते हो तीनों को भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एंड दिस इज ऑल अबाउट माय पर्स दिस इज एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टूडेज़ रिव्यू वीडियो आई होप यू लव दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड वन मोर थिंग इन तीनों का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक के लिए आप बहुत बार पूछे हो कमेंट बॉक्स में बट प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक डाल देती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग